आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इफ ए अर्न्स 33/1/3%, ए ने जो है कितना अर्न किया, 33/1/3% मोर देन बी, बी से इतना ज्यादा जो है वो कमाई करता है। सो हाउ मच इस परसेंट डज बी अर्न लेस देन ए, तो बी जो है ए से कितना, कितने परसेंट जो है लेस कमाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोनों स्टेटमेंट एक तरीके से, एक तो इसे रिवर्स डायरेक्शन में लिखे गए हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ए बी से इतना कमाता है तो बी क्या है उससे कम ही कमा रहा होगा, तो बताना है कि बी कितना कम कमा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको एक क्वेश्चन वीडियो नंबर जिसमें आईडी 802 थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि जिससे कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो, कंडीशन पूरी सेम हो, चाहे वो पहली कंडीशन से पढ़े या दूसरे से पढ़े। कैसा क्वेश्चन था उस वीडियो में कि एक की पेट्रोल का प्राइस अगर 25% बढ़ा दिया जाता है तो जो कार का ऑनर है तो उसको पेट्रोल का कंजप्शन कम करना पड़ेगा ताकि उसके खर्चे पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, मतलब जितना खर्चा पहले हो रहा था उतना खर्चा अब भी हो। तो मतलब उसमें भी सेम कंडीशन थी, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना खर्च वो पहले कर रहा था उतना बाद में कर रहा है। यहाँ पर भी ए ने बी से इतना परसेंट ज़्यादा कमाता है तो जो दूसरी कंडीशन से इससे इस कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, हमने आपको ट्रिक बताई थी कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हमको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज, सो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू, ट्रिक क्या होती है कि जितना परसेंट जो हो रहा है, मान लो इंक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, जो भी हो, तो परसेंटेज को कहाँ पर लिखते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में। तो ये कितना है, 33/1/3 का मतलब क्या हो गया, 100/3, तो 100/3 को हम न्यूमरेटर में लिख लिया। डिनोमिनेटर में क्या करते हैं कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो 100 में ऐड कर देंगे, डिक्रीज हो रहा है तो 100 में माइनस कर देंगे, तो 100+100/3। ठीक है, और इतना करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे और ये हमारा परसेंटेज आंसर निकल आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 100/3, इसको करेंगे तो 100 3 300 और 100 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 400/3 इंटू 100, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 100 से 400 00 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा ये 100/4 मतलब 25%। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो आसानी होती है, तो आंसर इसका 25% हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।